हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कीवी फ्रूट के उपयोग बताऊंगी इस वीडियो में। इससे पहले मेरी दो वीडियो और हैं कीवी फ्रूट के बारे में, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू, तो वो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो किस तरह से हम कीवी का फल का उपयोग कर सकते हैं वो जानकारी मैं आप कीवी फल का उपयोग, कीवी फल खाने का तरीका और इसकी सही मात्रा के बारे में हम आज बताएंगे इस वीडियो में। कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और इसको कैसे खाना चाहिए। कीवी फल को कैसे खाएं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कीवी फल को आसान सामान तरीके से आप काट कर और उसका अंदर का गूदा निकाल कर आप खा सकते हैं। कीवी फल का जूस बनाकर आप पी सकते हैं। कीवी फल खाने सलाद में आप खा सकते हैं, इसको फ्रूट सलाद बना के खा सकते हैं। कीवी फ्रूट को स्मूदी बनाकर आप पी सकते हैं। कीवी फ्रूट को कस्टर्ड में डालकर आप खा सकते हैं। तो ये सारा है कीवी फल खाने का तरीका। कीवी फल को आप छिलके के साथ खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन बहुत लोगों को छिलके पसंद नहीं आते हैं, तो आप केवल गूदा और उसके बीज का उपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कीवी फल खाने का सही समय क्या है, तो कीवी फल खाने का समय कोई नहीं है। आप कभी भी इसे खा सकते हैं, इसे सुबह दोपहर शाम कभी भी खा सकते हैं। अगर आप सुबह में खाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। कीवी फल कितना खाएं? एक स्वस्थ व्यक्ति को आधा कप या एक मध्यम आकार की कीवी का सेवन करना चाहिए। कीवी फल को खरीदते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कीवी के ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं हो, इसका जो छिलका है बाहर से कटा फटा ना हो, दबा के देखने से जल्दी पिचके ना, एकदम थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो थोड़े सॉफ्ट कीवी का चुनाव करें। अब बात आती है कीवी फल मिलेगा कहाँ। तो कीवी फल आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप सुपरमार्केट से भी ले सकते हैं। कीवी को सुरक्षित कैसे रखें? अगर कीवी ज़्यादा पक्का ना हो तो इसे कमरे के तापमान पर रख सकते हैं। पकने के बाद इसे आप अन्य फलों के साथ भी रख सकते हैं। कीवी को आप फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। कीवी फल के फ़ायदे और इसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको और भी किसी फ्रूट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या जानना है, तो मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी और जानकारी के लिए। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।